से उत्साहित कांग्रेस ने प्रदेश मुख्यालय में जमकर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी, पटाखे फोड़े। आप लोगों ने जश्न मना लिया, हालांकि नतीजे आने बाकी हैं। दूसरी चीज की नगर निगम की बात की जाए तो ज्यादातर नगर निगम में टफ फाइट है, जहां पे निर्दलियों की बड़ी भूमिका है। उम्मीद है कि निर्दलीय आपके साथ खड़े होंगे। देखिए, वैसी कोई बात नहीं है। अधिकतर नगर निगम में करीब करीब क्लियर मेजॉरिटी के पास कांग्रेस पहुंच चुकी है और कांग्रेस के मेयर वहां बनने तय हैं। कहीं कहीं कुछ टक्कर की स्थिति और निर्दलीय जीत कर आए और हमें पूरा विश्वास है। और ये नतीजे क्या इसलिए आए क्योंकि विधायक ने शिकायत की कि उनकी नहीं सुनी गई? निर्वाचित पार्षद अपने अपने नगर निगम के महापौर, नगर पालिका के अध्यक्ष और नगर पंचायत के अध्यक्ष का फैसला करेंगे। जब ये पार्षद निर्वाचित हो गए हैं तो अब ये उनका अधिकार है और हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के पक्ष में उनका समर्थन है। ये कामयाबी भूपेश बघेल सरकार की है या फिर कांग्रेस? ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के कामों का नतीजा है। हम आज नगरीय चुनाव जीते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनत का नतीजा है, हमारे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन का नतीजा है कि नगरीय निकाय में कांग्रेस को सभी लगभग बहुमत मिला हुआ है। ये सरकार के कामों का, संगठन कामों का नतीजा है। अच्छा, एक चीज बताइए कि ये क्या बोलते हैं नतीजे, क्या इसका मायने है? नतीजे जो है कांग्रेस के पक्ष में है और भूपेश बघेल जी की जो सरकार एक साल में जो काम की है उसी का नतीजा है कि हम पूरे जगह पे हैं, 100% जगह जीत रहे हैं और बीजेपी हार रही है। अच्छा, किरण मीना जो कि पूर्व मेयर हैं उनसे बातचीत करते हैं। आपने आरोप लगाया संजय श्रीवास्तव ने घोटाला किया, संजय श्रीवास्तव चुनाव हार गए, यही स्ट्रैटेजी थी क्या? इस स्ट्रैटेजी की क्या बात है? घोटाला जब किया उसके दस्तावेज की जानकारी हमको हुई, हमने सूचना के अधिकार में मांगा, जब मुझे दस्तावेज मिले तब मैंने कार्रवाई की है। अब ये उनकी बदकिस्मती और मेरी खुशकिस्मती कह सकते हैं कि वो हार गए चुनाव, परंतु भ्रष्टाचार तो उन्होंने किया है। FIR होके रहेगी और जांच होगी ही होगी, ये कोई झूठा आरोप तो है नहीं, हमने दस्तावेजों के साथ किया है, तो अपनी हार को उनको स्वीकार कर लेना। एक और महत्वपूर्ण चीज की, जो बड़े चेहरे थे भारतीय जनता पार्टी के, आपके भी बड़े चेहरे खतरे में थे, हालांकि अब लीड ले रहे हैं, इसको किस तरह से देखा जाए कि युवा जीत रहे हैं और जो पुराने लोग हैं नगर निगम में लंबे समय से जो नगर निगम की राजनीति करते रहे हैं वो हारते जा रहे हैं? इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वार्ड में जनता जो है पार्षद के रूप में ऐसा कैंडिडेट चाहती है जो कि उनकी एक आवाज पर उनके सामने उपस्थित हो जाए और अपने वार्ड के ही लोगों को प्राथमिकता देते हैं। इवन वार्ड में बाहर से आकर चुनाव लड़ते हैं उसको भी वार्ड की जनता बर्दाश्त नहीं करती, इसको ये इस नजरिए से देखना चाहिए। तो कांग्रेसी अपना उत्साह जाहिर कर चुके हैं। संस्कृति विभाग के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं दिलीप षडंगी जी। षडंगी साहब, ये बताइए कि ये जो नतीजे आए हैं बाकी सब ठीक है जी, लेकिन जो ग्रामीण अंचल से सटे हुए नगर पंचायत हैं जी, नगर पालिकाएं हैं, वहां पे कांग्रेस की परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही जैसे कि नगर निगम में रही, क्या वजह रही? देखिए, ये तो जनादेश है और जनादेश का बाद में अवलोकन किया जाएगा। अभी इस विषय में कोई स्पष्ट तौर पर बोला नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, जनादेश है, जनादेश का आदर तो करना पड़ेगा। और आप तो देख रहे हैं अच्छा काम किया है भूपेश सरकार ने, इसलिए रिजल्ट तो अच्छा है। चलिए, भूपेश सरकार ने अच्छा काम किया है इसलिए रिजल्ट अच्छा है, कांग्रेसी यह मान रहे हैं। हालांकि अभी अंतिम नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है, जो रुझान है और जो अभी तक के नतीजे आए हैं उससे लगता है कि ज्यादातर नगर निगम पर कांग्रेस काबिज होगी। कैमरामैन चोलेश्वर के साथ रायपुर से रुपेश गुप्ता। रायपुर के महात्मा गांधी वार्ड से भाजपा प्रत्याशी प्रमोद साहू ने